वायरस के इस संकट की घड़ी में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते देश के चौथे चरण का लॉकडाउन लगा दिया गया है। केंद्र प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने की कोशिशें कर रही है, जिससे मजदूर अपने प्रदेशों में पहुंच सके। परेशान बदहाल प्रवासी मजदूर इस संकट की घड़ी में मजदूरी और भुखमरी का शिकार हो रहा है, जिससे लोग अपने अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर का उत्तराखंड में प्रवेश करने से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये है कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर 146 पहुंच गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हैं। ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। कायदे से जिस प्रदेश में प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेश के हैं और जिस प्रदेश से वो दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, उसी प्रदेश को उनको भेजने से पहले उनका कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उन्हें वहीं पर रखना चाहिए। अगर निगेटिव आती है तब वो दूसरे प्रदेश में जाएँ, अगर पॉजिटिव आती है तो उनको वहीं पर रखना चाहिए, वहीं क्वारंटीन करना चाहिए। सपोज करो कोई आदमी पॉजिटिव है, आपने उसको भेज दिया, तो रास्ते में जहाँ जितने क्षेत्र में जितने लोगों से मिलेगा अपने प्रदेश तक पहुँचने से पहले, वो उतने लोगों को पॉजिटिव करता जाएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप देख लीजिए उत्तराखंड में जो लोग आ रहे हैं उनका अता पता नहीं यहाँ हो रहा है, फैलता जा रहा है। एक दिन में ही कल 14 आ गए, कहाँ से आए, बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, तो वहीं पर क्यों नहीं रोक रहे प्रदेश? ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो उस प्रदेशों की नाकामी है, सरकार की नाकामी है कि वो समझ ही नहीं पाई इसको। प्रवासी मजदूरों को ये पहले नहीं समझ पाए कि भाई आज ये प्रवासी मजदूर सब गांव पहुंच जाएंगे, कल इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कंस्ट्रक्शन कैसे चलेगा, काम कैसे होंगे? क्या ये मजदूर आज गांव जाके वापस जाएंगे? और जाएंगे तो कब तक जाएंगे, किसी ने सोचा है? अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे आ जाएगी अगर इनको नहीं रोका गया, वहीं पर काम उपलब्ध नहीं कराए गए, तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ये देख लेना, ये नहीं संभलेगी अगर इनको नहीं रोका गया। देखिए, ये जो कोरोना संकट है ये प्रशासनिक भी है, सामाजिक भी है और इसके कई मानवीय पहलू भी हैं। निश्चित रूप से जो लोग 3-3 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए थे, वहाँ उनके रोजगार समाप्त हो गए, उनके लिए वहाँ पर रहना अत्यधिक कठिन है। सभी प्रदेशों की सरकारों ने आरंभ में प्रयास किया कि सभी प्रवासी लोग जहाँ पर काम करते हैं वहीं रुकें, लेकिन एक सीमा के बाद ये सारे परिवार अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उसके दो बहुत प्रमुख कारण, एक आर्थिक कारण है कि वहाँ पर उनके लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया, और दूसरा हमारा सामाजिक और भारतीय मानवीय जो हमारी मूल्य है उनका है कि हर व्यक्ति का मन अपने परिवार में जाके दुख के समय में रहने का होता, इसलिए हम इसे रोक नहीं सकते। इसलिए ये एक जिसे कहते हैं कि अनिवार्य और अपरिहार्य प्रक्रिया है, इसलिए लोगों ने अपने घरों में आना ही आना है। मैं तारीफ करना चाहूँगा, मैं साधुवाद देना चाहूँगा प्रदेश सरकार को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जिन्होंने इन सब उत्तराखंड प्रवासियों के वापस आने की बहुत सुचारू व्यवस्था की।